हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुड़ा पब्लिक स्कूल, गुड़ा गोड़जी, झुंझुनू, एक बार फिर हाजिर हूँ अगला वीडियो लेकर आपके सामने। तो बड़ा अपना चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के चरण पढ़ चुके थे, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आवश्यक संसाधन थे उनके बारे में पढ़ लिया था। उसके अलावा डीएनए क्लोनिंग की तकनीकों के बारे में पढ़ लिया था, जैसे पीसीआर द्वारा हम डीएनए की क्या कर सकते थे, अनेक प्रतिकृति बना सकते थे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी जो जैव वाहक अणु जैसे डीएनए आदि को उनके क्रम या साइज के अनुसार व्यवस्थित करने की विधि के बारे में हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब हम आगे बात करते हैं सब कि अगला आता है हमारा क्या कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है साहब कि ट्रांसजेनिक जीव उत्पादन एवं या और महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है। इसमें देखो सबसे मेन जो ध्यान करने वाली बात है वो ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है सब। ट्रांसजेनिक जीव तो देखो सुनिए, हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किसी पादप या जीव से कोई जीन प्राप्त की जाती है, कोई क्या प्राप्त कर ली हमने, जीन प्राप्त कर ली, और इस जीन को हमने क्या किया किसी प्लांट्स में एंट्री करा दी, ठीक है, या किसी प्लांट्स हो सकता है या कोई क्या हो सकता है एनिमल, ठीक है। ये जीन किसी दूसरे रिसोर्स से प्राप्त, किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की थी, और इसको हमने किस में एंट्री कराया, प्लांट या एनिमल, और प्लांट या एनिमल में ट्रांसफर करा के इनकी हमने क्या किया आनुवांशिकता में परिवर्तन कर दिया। होना ही था क्योंकि इनकी आनुवांशिकता के साथ अब ये नया जीन और जुड़ गया, इसका मतलब इनकी आनुवांशिकता में परिवर्तन हो गया। आप सुनिए, आनुवांशिकता में परिवर्तन की वजह से इनमें साहब क्या हो गए, नए लक्षण विकसित हो गए। इसका मतलब कैसे कि इनकी जो प्रॉपर आनुवांशिकता थी उसके लक्षण तो प्रकट हो ही रहे थे, साथ ही में क्या हुआ साहब, ये जो नई जीन है वो और ट्रांसफर की हमने, इसका मतलब इस जीन के लक्षण भी इसके अंदर क्या होंगे, प्रकट होंगे, ठीक है। इसका मतलब नए जीन के ट्रांसफर करने से नए लक्षण युक्त बनने वाले पादप या जंतु क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक कहलाते हैं भाई, ठीक है ना। एक बात, दूसरा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है साहब, जीएमओ क्या होते हैं, तो उनका आंसर यानी इनकी फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाई या मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिक रूपांतरित जीव। मतलब तो वही हुआ ना कि इनमें हमने किसी जीव में नए जीन ट्रांसफर किए तो उसकी आनुवांशिकता में परिवर्तन हो गया, इसका मतलब आनुवांशिक रूपांतरित जीव। उत्तर वही है, चाहे ट्रांसजेनिक पादप पूछ लिया जाए, ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं, तो वे पादप जिनमें किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को स्थानांतरित करके उसमें नए लक्षण विकसित किए जाते हैं, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं, या ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित पादप कहलाते हैं। क्लियर बात हुई। अब सुनिए साहब, आगे हम बात करते हैं क्या कि ट्रांसजेनिक जो पादप होते हैं, इन ट्रांसजेनिक पादपों में हमने क्या करना होता है साहब कि किसी विशेष जीव से प्राप्त डीएनए, कोई जीव है और इस जीव से हमने क्या प्राप्त किया, या डीएनए और या कोई जीन प्राप्त की, और इस डीएनए या जीन को हम किसी क्या ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कराने, किसी जीव में ट्रांसफर करा रहे हैं, वो जीव पादप हो सकता है और वो जीव क्या हो सकता है, जंतु। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस डीएनए को हमने लिया, पकड़ा और घुसा दिया पादप में या जंतु में, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ विधियां काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, जीन स्थानांतरण की विधियां,
ठीक, तो देखो जीन स्थानांतरण की जो विधियां है ना, इनको हमने बांटा कितने भागों में? दो भागों में। इनको हमने कितने भागों में बांटा? दो। देखो फर्स्ट होती है वाहक रहित, या प्रत्यक्ष स्थानांतरण, ठीक है ना। यानी एक तो क्या होता है वाक, या इसको हम कहते हैं वेक्टरलेस या डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और सेकंड होता है क्या? वाहक युक्त या अप्रत्यक्ष स्थानांतरण। सबसे पहले इसके बारे में देखो क्या होगा कि ऐसा स्थानांतरण, ठीक है, कि जिसमें हमने क्या किया, कोई डीएनए लिया या कोई जीन लिया। अब इस डीएनए या जीन को हम किसी जैविक कारक या किसी वाहक की सहायता से कहाँ नहीं ट्रांसफर करेंगे? इस सेल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। यानी इस डीएनए या जीन को जब किसी जैविक वाहक या वेक्टर की सहायता से नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि किसी अन्य यांत्रिक संसाधन से डायरेक्ट डाला जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष स्थानांतरण। बात ध्यान रखना कि वाहक रहित में हम किसी वेक्टर का सहारा नहीं लेते, किसी जैविक वाहक का सहारा नहीं लेते, बल्कि किन्हीं यांत्रिक विधियों के माध्यम से डायरेक्ट डीएनए को किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? कोशिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वाहक युक्त, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी जीव, मान लो एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं साहब, क्या कोई बैक्टीरिया लिया, पढ़ेंगे अपन आगे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ हमने क्या किया? वांछित डीएनए या जीन जोड़ा, और इसको फिर हम क्या करते हैं? किसी कोशिका में एंट्री करवाते हैं। इसका मतलब कि इस वांछित जीन को, यानी ये दिखाई दे रहा है, इस वांछित जीन को हमने क्या किया? इस वेक्टर की सहायता से किस में ट्रांसफर करवाया है? इस कोशिका में। तो ये क्या हुआ साहब? वेक्टर मीडिएटेड हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करवाया, बल्कि किसी दूसरे जैविक कारक के माध्यम से ट्रांसफर करवाया है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? अप्रत्यक्ष स्थानांतरण कह देते हैं, या वाहक युक्त स्थानांतरण कह देते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हम फर्स्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे कि सब वाहक रहित या प्रत्यक्ष स्थानांतरण को भी आगे कई विधियों में बांटा गया है, ठीक है, जिनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, एक विधि आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोपोरेशन, या जिसे हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत छिद्रण, ठीक है। देखो क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक विशेष कोई पात्र लेते हैं, माना कि ये हमारे पास क्या है, एक कोई पात्र है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक विशेष सस्पेंशन माध्यम भरते हैं, निलंबन माध्यम भर देते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जिस कोशिका के अंदर एंट्री कराते हैं उस कोशिका को डाल दिया, और उसके अलावा इसमें हमने क्या किया कि जो डीएनए इसमें ट्रांसफर कराना है उस डीएनए को हमने क्या किया, डाल दिया, ठीक है। ये क्या है, सेल है, ये क्या है, वांछित डीएनए है। अब इस पर हम क्या करते हैं साहब, विशेष इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। या धनायन किसका काम करता है, कैथोड का, ऋणायन किसका काम करता है, एनोड का, ठीक है। अब सुनिए साहब, अपन क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं,
और जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है ना, ये सेल वॉल है, देखो ये दिखाई दे रही है, और ये जो सेल वॉल होती है ये पहले किस अवस्था में होती है? पोलर अवस्था में होती है। यानी पहले ये कौन सी अवस्था में होती है? ध्रुवित अवस्था में होती है। ठीक है, ध्रुवित अवस्था में कैसे? देखो कि ये मान लो हमारी सेल वॉल थी, और इस सेल वॉल में हमने देखा साहब बाहर की तरफ धनायन है और अंदर की तरफ इसमें क्या है? ऋणायन है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गई साहब? ध्रुवित अवस्था। अब इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित की, ऋणायन क्या हो गए? अंदर, सॉरी, धनायन कहाँ? अंदर, और ऋणायन कहाँ? बाहर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्या, यानी पहली सिचुएशन क्या थी? ये थी, और सेकंड सिचुएशन धारा प्रवाहित करने पर क्या हो गई? ये हो गई। ये अवस्था क्या थी? ध्रुवित अवस्था। और ये कौन सी है? अध्रुवित अवस्था। ठीक है, जैसे ही ये अवस्था आई, यानी इसमें धारा प्रवाहित की, धारा प्रवाहित करने पर हम देखते हैं कि साहब इस कोशिका की जो सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी, वो ध्रुवित अवस्था से कौन सी अवस्था में? अध्रुवित अवस्था में बदल जाती है। ठीक है, और अध्रुवित अवस्था में बदलती है तो अपन मान लेते हैं एक तरह से सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं इसकी भित्ति पर, या हम ये भी कह सकते हैं कि डीएनए के लिए इसकी भित्ति क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? पारगम्य हो जाती है। इसका मतलब डीएनए किधर की तरफ? इधर की तरफ गति करता हुआ कहाँ एंट्री कर जाएगा? इस कोशिका में प्रवेश कर जाता है। देखो वैद्युत छिद्रण का मतलब यही होता है। अब देखो इसको हम सिंपल भी में समझ लेते हैं, बिल्कुल शॉर्टली, कि जब हम इस निलंबन माध्यम में इस कोशिका को डालते हैं, इस डीएनए को डाल देते हैं, और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस कोशिका की भित्ति में अस्थायी सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये डीएनए के लिए पारगम्य हो जाती है, और उन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से डीएनए एंट्री कर जाता है, और डीएनए जैसे ही एंट्री करता है हम धारा प्रवाह बंद कर देते हैं। धारा प्रवाह बंद किया तो जो सूक्ष्म छिद्र थे वो वापस क्या हो गए? कवर्ड हो गए। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि डीएनए है वो कहाँ एंट्री कर गया? कोशिका में, और कोशिका से किस में एंट्री कर जाएगा? केंद्रक में, और केंद्रक में जाके इस कोशिका के सामान्य डीएनए के साथ ये डीएनए क्या हो जाता है? सब जुड़ जाता है। अब इस कोशिका का संवर्धन करके हम जब कोई नया पादप बनाते हैं या कोई नया जीव बनाते हैं तो सामान्य गुणसूत्रों के लक्षण तो प्रकट होंगे ही होंगे, साथ में इसके साथ हमने ये डीएनए भी तो जोड़ा, तो जो डीएनए इसमें समावेशित कराया वो भी अपने लक्षण प्रकट करेगा। इसका मतलब उसमें एक नए विशेष लक्षण क्या हो गए? पैदा हो गए। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में यह विधि क्या कहलाती है? वैद्युत छिद्रण विधि। अब देखो वैद्युत छिद्रण विधि है, इसको हम क्या है कि इसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है ना वो किस आधार पर? तो देखो दो सिचुएशन होती हैं। एक धारा हो सकती है कैसी? तीव्र वोल्टता वाली, ठीक है ना, और एक धारा हो सकती है कैसी? मंद वोल्टता वाली। तीव्र वोल्टता वाली होती है, इसके स्पंद क्या होते हैं साहब? लघु, क्योंकि इसकी ऑलरेडी क्या है? वोल्टता बहुत ज्यादा तीव्र है, तो ये तो क्या हो गई साहब? लघु स्पंद, और ये हो गई क्या? उच्च स्पंद। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, क्या जो तीव्र वोल्टता और लघु स्पंद द्वारा हम क्या करते हैं? जीन ट्रांसफर कराते हैं, तो ये क्या होती है? एक तरह से स्थायी विधि होती है। क्या होता है साहब? स्थाई स्थानांतरण होता है, क्योंकि इसकी वोल्टता बहुत तीव्र थी। और मंद वोल्टता की बात करें तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा साहब कि मंद वोल्टता और उच्च स्पंदन के द्वारा, स्पंदन तो तेज दिए जाते हैं लेकिन इसकी वोल्टता क्या होती है? बहुत धीमी होती है। ऐसी स्थिति में जो स्थानांतरण होगा वो कैसा होगा? अस्थाई स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोपोरेशन समझ में आ गया होगा कि हम इस तरह से डीएनए को इस कोशिका में एंट्री करा सकते हैं। ठीक है ना, ये सिचुएशन हो गई। दूसरी, अब इसके फायदा देखो, एक तो इसका लाभ है, ये विधि सस्ती होती है, तीव्र होती है,
और आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके क्या होगा साहब, कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, ठीक है, हानि भी होती है। और हानि में सिचुएशन ये होती है कि कई बार जैसे तीव्र बोलता है उसके स्पंद अगर थोड़े तेज हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कोशिका डैमेज हो सकती है। दूसरा कि इसके लिए या इस विधि के उपयोग के लिए हमें क्या काम में लेना होता है, देखो ध्यान रखना, प्रोटोप्लास्ट काम में लेना होता है, ठीक है। और प्रोटोप्लास्ट हर कोशिका में, जरूरी नहीं होता हर कोशिका तंत्र में प्रोटोप्लास्ट मिली जाए, इसका मतलब केवल जिन पादपों में प्रोटोप्लास्ट तंत्र पाया जाएगा उनमें ही ये विधि काम में ली जा सकती है, जिनमें प्रोटोप्लास्ट तंत्र नहीं पाया जाएगा उनमें ये विधि काम में नहीं ली जाएगी, ठीक है ना। अब अगली विधि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।